उदयपुर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के वारिस देवान सिंह चौहान अपने ड्राइवर की बेटी के साथ भाग गए। सूत्रों के अनुसार चंद्रिका सिंह चौहान इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी गरीब और अनपढ़ लड़की के साथ शादी करे। इसी वजह से देवांश सिंह चौहान ने अपनी मासा और पूरे परिवार के खिलाफ बगावत कर दी। क्या चंद्रिका सिंह चौहान अपने बेटे और उसकी गरीब पत्नी को आशीर्वाद देंगी या फिर देवांश सिंह चौहान को चौहान ग्रुप से बेदखल कर दिया जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए खबरदार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। यस। थैंक यू। क्या वाकई मालिक और ड्राइवर की बेटी की मोहब्बत को चंद्रिका सिंह चौहान का आशीर्वाद मिल पाएगा या फिर उनका प्यार भी हीर और रांझा की तरह अधूरा रह जाएगा? जैसे कि आप देख सकते हैं उदयपुर की जानी मानी बिजनेस वुमन चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बिजनेस डील चल क्या रहा है। चौहान हाउस की बहू बनने का देवी तो एकमात्र जरिया था, पर इसका चक्र ड्राइवर की बेटी के साथ चल रहा है तो हमारे प्लान का क्या होगा? रिलैक्स करिश्मा, इनके बीच क्या हुआ? तुम स्ट्रेस मत लो, दोनों ने किसी मंदिर हम अभी के अभी चौहान हाउस जाएंगे। चौहान हाउस में सुबह से ही सन्नाटा छाया हुआ है। तुम चलो चेंज करके आओ। कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खबरदार। इस दो कौड़ी के ड्राइवर की बेटी को तो मैं देख लूंगी। देव और करिश्मा की शादी भी होगी और मेरी बेटी इस चौहान एम्पायर की मालकिन भी बनेगी। और जैसा कि आपने सुना है उदयपुर की जानी मानी बिजनेस वुमेन चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा देवांश सिंह चौहान अपने ही ड्राइवर की बेटी के साथ पाया गया। हुकुम, बाहर आपकी जरूरत है, मीडिया वालों को आप ही चुप करवा सकती हैं। देव सर, ये चोट बाबू सा भाई सा बाबू साहब वो देखिए भाई साहब बाबू साहब इतनी बड़ी हो गई तू कि अपने बाबू साहब ने छोड़ के जाने का फैसला कर लिया। तारे बापू ने तने डांटने का भी हक ना है के छोरी। ना ना बाबू साहब, आपने तो कभी अपनी वसु को डांटा ही नहीं, तभी तो बार बार इतनी गलतियां करती हूँ मैं। जब से शहर आई हूँ एक के बाद एक मुसीबत खड़ी कर रही हूँ मैं थारे लिए। तारी 25 साल की नौकरी में शायद पहली बार देवी हुकुम के आगे थारी नजरें नीची हुई है, वो भी सिर्फ मारी वजह से। बाबू साहब मैं थारे से नाराज हो के नहीं, अपनी गलतियों से शर्मिंदा होके गांव लौट रही थी। Thank you.
आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, सिर्फ अपनी चलाती हो। बाबूसा, इन्हें गांव वापस जाने दीजिए, गुलकी और मैं रह लेंगे इनके बिना। अच्छा, गलती हो गई हमारे से, अब माफ कर दे सूरी। पूरी रात बहुत परेशान किया ना मैंने आप सबको, हमारे को माफ कर दो बाबू साहब एक आखिरी बार। बाबली एक है तू, तुम्हारा गुरूर है गुरूर। छोटे हुकुम काकू, आपने मारी वसु को ढूंढ कर ना मारे को नया जीवन दे दिया है। जाने अनजाने इसने बहुत सारी गलतियां की, पर हर बार हुकुम ने उन्हें माफ कर दिया, यहाँ तक कि मारे लिए उन्होंने अपना फैसला तक बदल दिया। पर काकू वो तो ना, ना, ना। पहले ही हुकुम के हम पे बहुत एहसान है, अब एक और एहसान मांगना ना तुम्हारा अधिकार है ना ही मारी हिम्मत। आप आज्ञा दो, मैं आज ही अपने दोनों बच्चों संग गांव लौट जाऊंगा। बस काकू, अब आप और कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब घर चल रहे हैं, अपने घर, और ये मेरा फाइनल फैसला है। आपका प्यार सर आंखों पर कुछ नहीं काकू, आपको यही डर है ना कि मासा वसु को माफ करेगी या नहीं, तो मासा को समझाने की जिम्मेदारी मेरी। समझ गया, अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं। खम्मा छोटे हुकुम, आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है, कितनी बार हुकुम से वसु की गलतियों को माफ करने की उम्मीद करूं। काकू मैं जानता हूं, पिछले कुछ दिनों में ऐसी सिचुएशंस रही है कि मासा ने वसु की सिर्फ गलतियां देखी हैं, पर काकू अब हमें मासा के सामने वसु की अच्छाइयां सामने लानी होंगी। इसकी सादगी, इसकी ईमानदारी, इसके गुण, मासा के सामने हमें वसु का टैलेंट लाना होगा। टैलेंट? टैलेंट मतलब बाईसा की कोई खासियत, जैसे बाईसा कितना चोखा खाना बनाती है। एग्जैक्टली, और कल तो हम सब ने वसु के हाथ का खाना टेस्ट किया था। एंड ट्रस्ट मी काकू, मासा के अलावा पहली बार किसी ने ऐसा मारवाड़ी खाना बनाया है। तो अब और कोई डिस्कशन नहीं होगा, इट्स फाइनल। मैं मासा से बात करूंगा कि वसु को हमारे किचन में नौकरी करने की इजाजत दे। काकू मैं प्रॉमिस करता हूं, वसु को हमारे किचन में नौकरी जरूर मिलेगी। जैसा कि हम आपको बता दें कि सुबह होने को है, पर अभी तक दीवान सिंह चौहान की कोई भी खबर नहीं है कि वो कहां पे हैं और किस हाल में हैं। क्या कोठी में सबको इस अफेयर के बारे में मालूम था? बताइए, क्या आपको मालूम था? क्या दीवान सिंह चौहान शहर से ही भाग गए हैं? भाभी साहब, ये के हो रहा है, के चल रहा है बाहर? हाय मारा राम जी। क्या आपने दीवान सिंह चौहान और उस ड्राइवर की बेटी को भागते हुए देखा था?